टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंब्रा में प्लेग्राउंड के लिए एमआईएम पार्टी के स्टूडेंट्स विंग काफी दिनों से पत्र व्यवहार कर रही है। मुंब्रा में प्लेग्राउंड करीब 8 जगहों पर है, मगर इसमें से कई जगहों पर अतिक्रमण हो चुका है। ऐसे में आज तलाठी विभाग के कार्यालय पर सैफ पठान, रशीद कादरी और जावेद सिद्दीकी एमआईएम पार्टी के अन्य तमाम कार्यकर्ता पहुंचकर लेटर दिया है और मुंब्रा में जो 8 जगहों पर प्लेग्राउंड है उन्हें देने की मांग की है। इसमें आपने लेटर भी दिया था, क्या हुआ यहाँ पे, से क्या रिस्पांस मिला और क्या होने वाला है सर आगे? देखिए कि 2021 के सितंबर से हमारे जो स्टूडेंट विंग के प्रेसिडेंट राशिद खान वो कंटिन्यूसली यानी यहाँ प्लेइंग ग्राउंड के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने आपने देखा होगा कि पैदल मार्च तक किया है यहाँ से लेकर के कलेक्टर ऑफिस तक। उसके बाद वो गवर्नर से मिलने गए, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी थी सीएम तक के लेटर दिए उन्होंने, लेकिन इनको जवाब नहीं दिया जा रहा। अब जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, ये रिजर्वेशन क्यों छुपाए जा रहे, हमें बताने की ज़रूरत नहीं। आप देखिए बड़े बड़े रिजर्वेशन, बड़े बड़े ये हम नहीं, माइती अधिकार से 2021 में दिया गया है। आप देखिए माइती अधिकार से बताया गया है, ये जगह आपको बताई गई है, सर्वे नंबर बताए गए, और छोटे छोटे सर्वे नंबर नहीं है। आप इसमें देखिए 5 एकड़ तक का यानी प्लेइंग ग्राउंड बताया गया है। तो प्लेइंग ग्राउंड है किधर, ये कौन सी जगह पे सर एग्जैक्टली 5 एकड़ का जो बोल रहे हैं? पूरे शहर में मुख्तलिफ इलाकों में यानी बड़े हुए, जैसे अभी तो कहीं तो बस्ती बस गई है संजय नगर जैसे इलाके में, वहाँ पर। लेकिन अभी जो मित्तल ग्राउंड में जो मेन हम बेस जिसके लिए हम फाइट करेंगे, अभी वहाँ पर प्लॉटिंग चालू है, वहाँ पर यानी क्या बोलते हैं बाउंड्री मारना शुरू है। तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि इस तरीके से जैसा यानी यहाँ पर एक लीगल प्रोजेक्ट भी है ना, इलीगल वे से बनाए जा रहे हैं, ये रिजर्वेशन खा करके बनाए जा रहे हैं। अब किसकी साजगांठ को कैसा किया जा रहा है, क्या जा रहा है, इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी टीम उसका पूरा उजागर करेगी। और जो हमारे रिजर्वेशन लेंगे, मैं आपके माध्यम से मेरे शहर की आवाम से भी अपील करना चाहूँगा कि देखिए आपके जो बुनियादी सहूलतों के लिए जो रिजर्वेशन हमारे दिए गए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो प्लेइंग ग्राउंड रिजर्वेशन दिए गए, वैसे रिजर्वेशन पर भी आज TMC प्रोजेक्ट के बोर्ड लगा करके आपको उलझाया जा रहा है और आपसे बुकिंग ली जा रही है। तो प्लीज़ आप समझदारी करिए, मैं कोई बिल्डर के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरी आवाम के लिए बोल रहा हूँ। कल जब वो रिजर्वेशन प्लॉट हम वापस छीन के लाएंगे तो आपके पैसे ना फंसे, आप बहुत सोच समझ कर वहाँ पर पैसे लगाएं। देखिए तलाटी ऑफिस पे जैसा पहले से बताया जा रहा, राशिद भाई ने काफी टाइम यहाँ पर है, कोई जवाब नहीं दे रहा। आज इसके लिए हम आए यहाँ पर, हमने उनसे तत्काल में जवाब मांगा तो उन्होंने हमें कल का टाइम दिया है। कल हमें यानी जो जादव सर है वो अभी सर्कल ऑफिसर मौजूद नहीं थे, उनसे बात हुई है और ये उनको यानी कल यानी हमको बुलाया गया। कल इंशाल्लाह हम तफसील से पूछेंगे और तफसील से जवाब लेंगे। और वो आप जैसा भी आप एक मुद्दा था, मेन मुद्दा था जो जिस पर राशिद भाई ने बात की कि जब से इन्होंने इस जंग को छेड़ा है, प्लेइंग ग्राउंड की जंग को छेड़ा है, तो जगह जगह पे एक टूर्नामेंट का ये लोगों ने एक यानी वो चालू किया है। तो आप वो देखिए वो टफ टूर्नामेंट है, ये वो टूर्नामेंट नहीं है जो बच्चों के भविष्य के लिए, ये उसमें भी बिजनेस कर रहे, ये खुद के लोगों का ही टफ ग्राउंड बना रहे और उसके अंदर आपको खिला रहे। आपके लिए प्लेइंग ग्राउंड नहीं, हम जब भी प्लेइंग ग्राउंड की बात करते तो यानी जो भी यहाँ के सत्ताधारी लोग हैं वो स्टेडियम का हवाला देते कि स्टेडियम आज एक गरीब बच्चे के लिए सूटेबल है। मैंने आप लोगों के माध्यम से काफ़ी न्यूज़ देखा, आप लोगों की न्यूज़ देखा हूँ कि वहाँ पर लाख लाख रुपया भाड़ा लिया जा रहा है। तो क्या मेरे घर का बच्चा वहाँ खेल सकता है, हमारे घर का बच्चा वहाँ खेल सकता है, लाख रुपया भर सकता है या जो भी फीस भर सकता है? तो हमारे लिए जो ये रिक्रिएशन ग्राउंड होते, जो प्लेइंग ग्राउंड होते, यही हमारे मुस्तकबिल, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, यहाँ से ही बड़े प्लेयर्स निकलते। स्टेडियम में जा करके ट्रेनिंग करके बड़े प्लेयर्स नहीं निकलते। आप सचिन तेंदुलकर से लेकर अजहरुद्दीन से लेकर के आप विराट कोहली तक देखिए, सब पहले छोटे ग्राउंड पर खेले गए, तब जाकर आज वो स्टेडियम में खेले। पहले कोई बच्चा पैदा होता था स्टेडियम नहीं जाता, तो हमको रिक्रिएशन ग्राउंड दो, हमको ये टफ जोन नहीं चाहिए, टफ जोन बिजनेस का हब है, हमको हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए चाहिए। वो टफ जो आप जितने टफ पे टूर्नामेंट करवा रहे हो, आप डिक्लेयर करो कि हफ्ते के जो वीक डेज होते हैं उसमें यानी आप उसको फ्री रखोगे बच्चों के लिए खेलने के लिए, उसके पैसे नहीं चार्ज किए जाएंगे। तो आप वो टफ ग्राउंड बताएं फिर अपने जो भी एडवर्टाइजमेंट में घंटों का चार्ज होता है, घंटों का चार्ज हो रहा है वहाँ पर। हमको जहाँ पर हमारे बच्चे जहाँ हम फ्री खेले, जिस ग्राउंड में हम फ्री खेले, जो जो ग्राउंड में हम फ्री खेले, हमारा बच्चा भी वो अगर रिजर्वेशन है तो हमारा बच्चा फ्री खेलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते कि ये मांगनी ये बातें आवाम तक पहुँचाए, नहीं तो आज लोग ठग लिए जाएंगे। ये रिजर्वेशन ग्राउंड इंशाल्लाह ताला हम ला के रहेंगे, जो भी रिजर्वेशन प्लॉट है आवाम को बचाए।